शंबरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति 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 ही। परम पिता परमात्मा का स्मरण। ज्ञान प्रदाता, व्यवहार की शिक्षा देने वाला परमात्मा, प्रणव ध्वनि। धर्मप्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों के लिए वेदों के अंदर उपदेश दिए हैं। हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये परमात्मा ने भिन्न भिन्न मंत्रों में बताया है। परमात्मा जहां आध्यात्मिक विषयों पर हमें निर्देश करते हैं, स्तुति प्रार्थना के लिए निर्देश करते हैं, श्रेष्ठ कार्यों परोपकार के लिए निर्देश करते हैं, उसके साथ साथ व्यवहार की कुछ और बातों के लिए भी निर्देश और उपदेश करते हैं। आज का मंत्र ऐसी ही एक व्यवहारिक शिक्षा को हमें दे रहा है। मंत्र ऋग्वेद का है और महर्षि दयानंद ने इसकी व्याख्या आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के 22वें क्रम पर रखकर की है। मंत्र है, स्थिरा वह संत्वायुधा पराणुदे वीणु उत प्रतिष्कभे युष्माकमस्तु तविशी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः। परमात्मा सीधे मनुष्यों को उपदेश कर रहा है। यहां की भाषा सीधे उपदेश की है, इसलिए महर्षि दयानंद ने यहां पर प्रारंभ में लिखा, परमेश्वरो ही सर्व जीवेभ्य आशीर् ददाति। परमात्मा सब जीवों के लिए आशी ही दे रहा है, कामना कर रहा है, इच्छा को व्यक्त कर रहा है। तुम कैसे बनो, कैसे रहो, इसको परमात्मा इस मंत्र में कह रहा है। वह तुम्हारे आयुधा, आयुध अस्त्र और शस्त्र, लड़ने के साधन, युद्ध करने के साधन। वह तुम्हारे आयुधा स्थिराः संतु, स्थिर हों, बने रहें, स्थायी रूप से रहें। और कैसे हों? वीणु, बहुत दृढ़ हों, मजबूत हों,
आसानी से वेधे न जा सकते हो, नष्ट न किए जा सकते हो। तो हे मनुष्यों, हे श्रेष्ठ मनुष्यों, तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र बहुत स्थिर और दृढ़ हों। तो परमात्मा हमें अस्त्र और शस्त्र रखने की शिक्षा दे रहा है। संसार में रहते हुए मनुष्यों को, श्रेष्ठ मनुष्यों को, बहुत से दुष्टों का भी सामना करना पड़ता है। दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति सज्जनों की शांति में, उनकी उन्नति में बाधा खड़ी करते रहते हैं, उनके सुख साधनों को छीनते रहते हैं, बिना पुरुषार्थ के दूसरों के साधनों को लेने की प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति बहुत से दुर्जनों में रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों से बचाव हम करते हैं, करना ही होता है हमें, और उसके लिए कुछ साधन भी जुटाते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य से। तो परमात्मा ये निर्देश कर रहा है, जिन आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को तुम जुटा रहे हो, वो स्थिर हों और दृढ़ हों। तो प्रकारांतर से परमात्मा हमें अस्त्र शस्त्र रखने की भी प्रेरणा दे रहा है। वो परमात्मा को सम्मत है, हमें अस्त्र और शस्त्र रखने चाहिए। जन सामान्य के अंदर, धार्मिकों के अंदर, आज के तथाकथित सज्जनों के अंदर ये भाव विद्यमान है कि अस्त्र और शस्त्र तो लड़ने के लिए होते हैं, युद्ध के लिए होते हैं, नाश के लिए होते हैं, विनाश के लिए होते हैं। इनसे हिंसा होती है, लोगों की हानि होती है, इसलिए ये धर्म के अंतर्गत नहीं आएंगे। जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो अस्त्र शस्त्रों से दूर रहना चाहते हैं। कारण वो समझते हैं कि हम हिंसा से दूर रहेंगे, हिंसा हमें नहीं करनी है। अहिंसा धर्म का रूप है, हिंसा तो अधर्म है। इस भावना से प्रेरित होकर के वो अस्त्र शस्त्रों से दूर रहते हैं, अस्त्र शस्त्रों का विरोध भी करते हैं। अस्त्र शस्त्रों का जो दुरुपयोग है वो निंदित है। अस्त्र शस्त्रों से सज्जनों को, निर्दोषों को मारा जाए, उनकी हानि की जाए, वो गलत है, ये उसका एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है। परमात्मा हमें निर्देश कर रहा है कि सज्जनों को, श्रेष्ठों को अपनी रक्षा के लिए स्वयं उपाय करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति ये सोचने लगे कि हम तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, परमात्मा हमारी रक्षा कर देगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दुष्टों से रक्षा करने के लिए। तो परमात्मा का स्वयं का ये निर्देश है कि संसार में रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए दुष्टों से आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र जुटाने चाहिए, और वो अस्त्र शस्त्र स्थिर हों और दृढ़ हों, खूब मजबूत हो। तो कहा स्थिरा वह संतु आयुधा, वीणु दृढ़ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? तो उसका कारण बताया, पराणुदे उत प्रतिष्कभे, दुष्ट मनुष्यों के पराजय के लिए, पराणुदे उनको पराजित करने के लिए। जय और पराजय कहां होती है? जब युद्ध होता है। अर्थात युद्ध तो होगा, देवासुर संग्राम तो होगा, सज्जनों में, दुष्टों में, राक्षसों में परस्पर युद्ध तो होगा, लड़ाई तो होगी, संघर्ष तो होगा, उसके बिना ये चल नहीं सकता है। क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे, कम स्तर पर या अधिक स्तर पर।
तो जब ये संघर्ष हो, युद्ध हो, उसमें इन दुष्टों की पराजय हो, उस पराजय के लिए तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र स्थिर हों और दृढ़ हों, तैयार हों सदा। और आगे कहा प्रतिष्कभे, उत प्रतिष्कभे अथवा उनको थामने के लिए, उनके वेग को रोकने के लिए। दो बातें हैं, एक तो संघर्ष छिड़ गया है उसमें हमारा जय हो, विजय हो, एक है कि वो युद्ध ही न कर सके, उनको वहीं रोक दिया जाए। दोनों बातें आवश्यक हैं, युद्ध हो और हम उनका सदा पराजय करें, इतना मात्र लक्ष्य नहीं, फिर तो युद्ध होता रहेगा। युद्ध ही ना हो उसके लिए भी आपके पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, ताकि उनका वेग रोका जा सके, वो आगे बढ़ ही ना सके, वो युद्ध की स्थिति में ही ना आ सके। युद्ध के लिए प्रवृत्त हो तो उनको हम वहीं रोक सकें, बाधित कर सकें। अस्त्र शस्त्रों को रखते हुए परमात्मा का हिंसा का उपदेश नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा का अधिकार, अपनी रक्षा करने का कर्तव्य हम सबका है, हमें करना ही चाहिए। तो अस्त्र शस्त्रों को रखना वेद की दृष्टि से प्रतिषिद्ध नहीं है, विधेय है, हमें करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति अति मानवीयता में आकर के अति सज्जनता के भावों को या एक पक्ष की दृष्टि रखते हुए कहते हैं कि विश्व में अस्त्र और शस्त्रों पर खरबों रुपए खर्च होते हैं, डॉलर खर्च होते हैं, यदि ये सारा धन अन्न के लिए, शिक्षा के लिए, जल के लिए, चिकित्सा के लिए लगे, मार्ग इत्यादि की सुविधा के लिए लगे, तो संसार बहुत सुखी हो जाए। ठीक है, ये धन यदि इधर लगे तो हम सुखी हो सकते हैं और सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन इन सब सुविधाओं के रहते हुए यदि दुष्ट जन आके हमको प्रताड़ित करते रहें, वो कभी भी आकर के इन्हें छीन लें, तो इन सुविधाओं का फायदा क्या मिलेगा? सुविधाएं होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका मना नहीं है, चिकित्सालय होने चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, लेकिन अगर सब धन इसी काम में लग जाएगा और दुष्टों से रक्षा नहीं की जाएगी, तो दुष्ट आके इन साधनों को कभी भी छीन लेंगे, वो अपने अनुसार चलाने लगेंगे, तब क्या करेंगे? अन्न के लिए, मार्ग के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए भी धन लग रहा है, वो जो धन लग रहा है वो ठीक लगता रहे, उसका ठीक हम उपयोग कर सकें, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है। ये अस्त्र शस्त्र मात्र युद्ध करने के लिए नहीं है, दूसरों को पीड़ित करने के लिए नहीं, लेकिन दुष्टों को युद्ध में पराजित करने के लिए और उनके वेग को रोकने के लिए हमारे अस्त्र और शस्त्र स्थिर और दृढ़ होने चाहिए, वेद का उपदेश है। आयुध दो प्रकार के होते हैं, अस्त्र और शस्त्र, दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे हथियार जो फेंक करके दूसरे को मारे जाते हैं उनको अस्त्र बोलते हैं, जैसे कि तीर, जैसे कि भाला, जैसे कि गोली, जैसे कि तोप का गोला, जैसे कि रॉकेट, मिसाइलें, ये जो छोड़ी जाती हैं, ये हम अपने पास से उसको छोड़ते हैं, यहां से चल करके वो शत्रु के ऊपर जाके लगती है, वहां गिरती है, ये अस्त्र कहलाते हैं जो फेंक करके मारे जाते हैं। और दूसरे होते हैं शस्त्र, जो कि हाथ में रख करके किए जाते हैं, जैसे कि तलवार, जैसे कि छुरी, जैसे कि चाकू, जिसको हम अपने हाथ में रखते हुए शत्रु का नाश करते हैं, हमारे से भी वो जुड़े रहते हैं। दुष्ट और शत्रु जब निकट आते हैं
तो शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जब वो दूर होते हैं तो अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। महर्षि ने जो यहां पर उदाहरण दिए हैं, तुम्हारे आयुध अर्थात शतघ्नि, जो 100 जनों को मार दे, अनेकों को मार दे एक ही, जैसे तोप आदि, और भुशुंडी बंदूक आदि जो एक बार में एक ही को मारती है, एक गोली निकली तो एक ही को मार सकती है, दो को नहीं मार सकती। लेकिन तोप का गोला निकलेगा तो अनेकों को वो मार सकते हैं। ये हैं इसी तरह से धनुष बाण, ये हैं अस्त्र, और करवाल तलवार शक्ति बर्छी आदि ये हैं शस्त्र, क्योंकि पकड़ करके हाथ में रख के चलाए जाते हैं, धारण करके उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब अस्त्र और शस्त्र तुम्हारे स्थिर और दृढ़ हों, लेकिन प्रयोजन ध्यान रखें कि दुष्टों के पराजय के लिए हो और उनके वेग को रोकने के लिए, सज्जनों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, अपनी सुख सुविधाएं लूट करके बढ़ाने के लिए नहीं। ये परमात्मा का आदेश है और ये हिंसा नहीं कहलाता है, वैदिक दृष्टि से ये अहिंसा है। अहिंसा की स्थिरता के लिए, अहिंसा के पालन के लिए इन अस्त्र शस्त्रों को रखा जाता है। यदि दुष्ट व्यक्ति को न रोका जाए तो वो जो कार्य करेंगे वो हिंसा होगी, सज्जन पीड़ित होंगे, दुखी होंगे, संसार में अधर्म फैलेगा। उनको रोकने के लिए, उनकी हिंसा को रोकने के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। ये बहुत संकुचित दृष्टि है जो ये कह देते हैं कि अस्त्र शस्त्र हैं, यानी तो ये हिंसा के साधन है। साधनों का उपयोग अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों का दुरुपयोग होता है, इसलिए इनका प्रयोग ही ना किया जाए, ये एक एकांगी और संकुचित दृष्टि है, व्यापक दृष्टि नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि नहीं है। तो वेद हमें जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक उपदेश दे रहा है, यह हमारे लिए आवश्यक है, यह धर्म है हमारा, यह हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम दुखी होंगे। और अगली पंक्ति में कहा, युष्माकम अस्तु तविशी पनीयसी, युष्माकम तुम्हारी, तवीयसी तुम्हारी जो बल रूप सेना है, तुम्हारे जो संगठन है जो कि बल का प्रतीक होते हैं, वो पनी ऐसी प्रशंसित हो, उसकी प्रशंसा हो कि हां इनकी सेना बहुत मजबूत है, दृढ़ है, अनुशासित, जब चाहे तब आक्रमण कर सकती है, जब चाहे अपनी रक्षा के लिए उपस्थित हो सकती है, ऐसी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। धार्मिकों की रक्षा के लिए सदा तत्पर है, दुष्टों के नाश के लिए सदा तत्पर है, ऐसी धार्मिक और अनुशासित सेना तुम्हारी प्रशंसित होनी चाहिए, उसका यश सब जगह फैला हुआ होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इनके पास ये ऐसी सेना है, सुगठित सुव्यवस्थित और अनुशासित सेना है, दूसरों तक पता होना चाहिए। इससे भी हमारा जीवन सुख और शांति से चलता है।